ऋषिकेश काफी अहम दौरा ये कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वैक्सीन की यात्रा पर है पीएम मोदी और बायोटेक पार्क पहुंचे हैं, शोधकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, कई अहम जो इससे संबंधित बातें उस पर भी चर्चा हो रही है। मसलन कि ये जो कोरोना वैक्सीन है सिर्फ संक्रमितों को दी जाए या फिर जो कोरोना संक्रमित नहीं है प्रिकॉशन के तौर पर उन्हें भी दी जा सकती है, तो काफी अहम माना जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये वैक्सीन यात्रा, जानकारी चाहेंगे। जिसान देखिए, प्रधानमंत्री तीन जगहों पर आज दौरा कर, अहमदाबाद में वो कैडिला के साथ जो जाइडस कंपनी है उसके प्लांट का उन्होंने दौरा किया है, अभी वो पुणे पहुंचे हैं और पुणे में जो सीरम इंस्टीट्यूट है उसके साथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का टाइप है, ऑक्सफोर्ड जो बना रही है अमेरिका के लिए दबाव, और कहा जा रहा है कि 12 दिसंबर के बाद वो टीके की शुरुआत कर देगा अमेरिका में, तो इस लिहाज से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अगर अमेरिका 12 दिसंबर से वो टीका इजाद कर देगा, टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू कर देगा, तो और वो जिसका प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट के साथ जिसका टाइप है, इसका मतलब स्पष्ट है कि भारत के लिए भी एक अच्छी खबर है। और अच्छी खबर ये है कि हो सकता है, जो हेल्थ मिनिस्ट्री के सूत्र जो हमें जानकारी दे रहे थे कल, उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि जनवरी के पहले सप्ताह में भी देश में टीका की शुरुआत हो सकती है, पहले चरण में हेल्थ वर्करों के लिए ये प्रयोग किए जा सकते हैं। एम्स में तकरीबन 1000 लोगों पर ट्रायल हुआ है और वो सक्सेस हुआ है, जो रणदीप गुलेरिया है एम्स के डायरेक्टर, उनके जानकारी के मुताबिक, चूंकि एक दवाई की प्रक्रिया होती है और तीन चरण का जो ट्रायल होता है वो काफी महत्वपूर्ण होता है, क्लिनिकल ट्रायल हो गया है, ह्यूमन ट्रायल भी लगभग लगभग सक्सेस है, अब जो तीसरे चरण का ट्रायल है वो उसके साइड इफेक्ट क्या आएंगे, कितना ज्यादा वो असरदार होगा, इसलिए देखिए कि अलग अलग कंपनियां जो दावा कर रही है, कोई 92%, कोई 95%, कोई 91% दावा कर रही है, तो ये एक बड़ी बात है। और प्रधानमंत्री अगर अलग अलग लैब का खास करके मूल्यांकन कर रहे हैं, वहां जा रहे हैं, वैज्ञानिकों से बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब संकेत साफ है कि आखिरी चरण में है, निर्णायक चरण में है और पॉजिटिव रिस्पांस है, संभवतः उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द ही जनवरी के पहले सप्ताह में इस बात के संकेत हैं कि भारत में भी टीके का इजाद होगा, टीके की शुरुआत हो जाएगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। पहले अहमदाबाद के जाइडन और जो कैडिला, जब चूंकि पहले दो अलग अलग कंपनी थी, एक हो गई, वहाँ के प्लांट में वो गए, वहाँ उन्होंने वैज्ञानिकों से बात की उसके असर को लेकर के, कौन से स्टेज में पहुँचा है, क्या प्रोडक्शन की कैपेसिटी है और हमारे यहाँ कितना प्रोडक्शन अलग अलग चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा, ये सब उन्होंने जानकारी ली है। सीरम इंस्टीट्यूट में भी कमोबेश उसी स्थिति की है, क्योंकि पुणे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, सब देश, पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। और अगर आपको याद होगा कि जब पीपी किट बनाने की बात आ रही थी और हमारे देश में जब नहीं था कोरोना टेस्टिंग किट को लेकर, तो पुणे की कंपनी ने ही सबसे पहले इजाद किया था, तो जो ऑक्सफोर्ड और सीरम इंस्टीट्यूट का जो टाइप है वो आखिरी चरण में है और प्रधानमंत्री अगर वहां पहुंच रहे हैं तो इसका मतलब संकेत साफ है। हैदराबाद में वो 4:30 बजे पहुंचेंगे, वहां भी चूंकि उनका 3 विजिट था अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद में, तो प्रधानमंत्री का ये दौरा अपने आप में इस बात का संकेत है कि आने वाले वक्त में जो जानकारी दी जा रही है अपने दर्शकों के लिए, जो एक नई खबर है सूत्रों के जो मुताबिक, हेल्थ मिनिस्ट्री के जो जानकार सूत्र बता रहे हैं कि जनवरी के पहले सप्ताह में वैक्सीन इंडिया में लॉन्च होगा, पहले चरण में हेल्थ वर्कर और डॉक्टर्स को वो दिया जाएगा, यानी कि ऋषिकेश ये माना जाए कि जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के साथ बैठक में बात कर रहे थे तो जी ऋषिकेश ये माना जाए, उम्मीद तो यही है कि जनवरी तक ये वैक्सीन सक्सेसफुल हो जाए। लेकिन अगर हम इस वैक्सीन के इस्तेमाल की बात करेंगे तो क्या प्राथमिकता इसमें कोरोना वॉरियर्स है उनको दी जाएगी या फिर जो बूढ़े हैं या जो बच्चे हैं उनको दी जाएगी, इसमें इसमें भी कोई प्रायोरिटी है क्या? जिसान देखिए, इसको लेकर हेल्थ मिनिस्ट्री ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य के मुख्य सचिव और मुख्यमंत्रियों को बकायदा एक गाइडलाइन जारी किया है, पहले से ही उन्हें एक नोटिस आप कह सकते हैं जारी किया है, जिसमें उनसे पूछा कि आपकी प्रायोरिटी लिस्ट क्या क्या है, जो पहला बिंदु है उसमें बताया कि आप अपने कौन से नागरिकों को पहले देना चाहते हैं, उसकी आप हमें एक रूपरेखा बताएं। दूसरा जो जानकारी थी और जो प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे थे, तो उन्होंने तमाम मुख्यमंत्रियों से पूछा कि आप ये बताइए कि आपके पास स्टेज बाय स्टेप उसके ट्रांसपोर्टेशन की क्या व्यवस्था है, जो स्टोरेज सिस्टम है, क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण है। आपको याद
दवा के जो पोलियो मुक्त टीकाकरण की अभियान हमारे देश में चलती रही थी, तो जो आइस बॉक्स था वो जगह जगह पंचायत लेवल पे अलग अलग जगहों तक पहुंचाया जा सकता था। ये देखना भी बाकी है कि जो इस टीके की मियाद है वो कितना टेम्परेचर में रहता है और कितने दिनों तक इसको हम कैरी कर सकते हैं। चलिए, तो राज्य सरकार से केंद्र सरकार ने जो पोलियो का टीका प्रारूप तय करने के लिए कहा है कि ये वैक्सीन प्रायोरिटी के हिसाब से किसे पहले दी जाएगी और उम्मीद है कि जनवरी तक ये वैक्सीन आ जाएगी। लगातार इस पर काम हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यह आश्वस्त किया था कि हम जल्द से जल्द इस पर कामयाबी हासिल करेंगे। तो पीएम मोदी की वैक्सीन यात्रा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक केंद्र का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। कोरोना वैक्सीन सेंटर का दौरा कर रहे हैं पीएम मोदी, तो काफी अहम और महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वैक्सीन दौरा है, एक तरह से कह सकते हैं वैक्सीन यात्रा। तो कोरोना वैक्सीन से जुड़े पहलुओं पर पीएम ने बात की है शोधकर्ताओं से। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।